परीक्षा प्लस की एफएक्यू श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो आपका सवाल है वो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों में ये कन्फ्यूज़न है कि कितने वर्ष पुराना डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगा। तो देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट हो या डोमिसाइल, दोनों की ही ये कंडीशन होती है कि उसका जो अपडेशन है वो हर 3 साल पर कराना ज़रूरी होता है। यानी कि कोई भी नोटिफिकेशन आया है उसके लिए आप उस वैकेंसी की लास्ट डेट तक, यानी रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट तक आपका जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट है उससे 3 साल पहले का होना चाहिए। लेकिन अभी जो आप लोगों की क्वेरीज लगातार आ रही हैं वो स्पेशली ASI वैकेंसी को लेकर आ रही हैं, क्योंकि ASI की वैकेंसी में कंडीशंस कुछ अलग हैं। जैसे कि ASI में जो लोग OBC के क्रीमी लेयर में आते हैं उनके साथ कुछ अलग क्लॉजेस हैं। उसमें क्या किया गया है कि अगर आप OBC में आते हैं और आप OBC की क्रीमी लेयर में हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 से रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका डोमिसाइल है उसका भी, उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि तक का वो होना चाहिए। ठीक है, तो ASI को लेकर आपके बीच में कुछ कन्फ्यूज़न्स थे, और बाकी जो अपडेशन है वो 3 साल तक होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो अदर एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्या कंडीशन होती है। इसके अलावा पर्टिकुलर अगर आपको ASI की वैकेंसी को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो उसमें क्या क्लॉज है। तो ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।